अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सोनिफिकेशन क्या है। हम इसको मोर क्लियरली पढ़ेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, और इसके अलावा हम कुछ यूजेस देखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर्सोनिफिकेशन फिगरेटिव लैंग्वेज का एक पार्ट है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक लिटररी डिवाइस है। ये फिगरेटिव लैंग्वेज का पार्ट है। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें राइटर कहना कुछ और चाह रहा होता है लेकिन वर्ड्स कोई और यूज़ करता है अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो ये भी फिगरेटिव लैंग्वेज का पार्ट है। तो इसका भी फंक्शन कुछ ऐसा ही है। अब पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन क्वालिटीज़ जैसे कि मूवमेंट, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, इस तरह की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी नॉन लिविंग थिंग पे। मतलब कि ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को या फिर ह्यूमन क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब कि मुसल्लक किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स पे। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ सौंपी जाती हैं। हम ये क्यों यूज़ करते हैं? हम ये एक लाइवली इफ़ेक्ट डालने के लिए इसको यूज़ करते हैं, या फिर इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हम अपनी सिचुएशन को या फिर हम अपने सर्कमटेंसेस को मोर क्लियरली एंड मोर इफ़ेक्टिवली उसको एक्सप्लेन कर सकें। इससे लाइवली इफ़ेक्ट कैसे आता है? हम जब ह्यूमन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं नॉन लिविंग क्वालिटीज़ के लिए, तो वो एक मोर क्लियरली उस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं, जिससे जो है वो हमारे पास लाइवली इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से पर्सोनिफिकेशन को राइटर एंड पोइट अपनी राइटिंग और पोइट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा उसको क्लियर बनाने के लिए। पर्सोनिफिकेशन की अगर हम एक डेफिनेशन देख लें तो एक लिटररी डिवाइस है जिसमें ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी ऐसे क्रिएचर पे या फिर एक किसी ऐसी चीज़ पे, ऐसी एग्जिस्टेंस पे जो कि ह्यूमन नहीं है, या फिर सिंपल हम ये कह लें कि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वर्चुअली को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर सपोज दैट, जिस तरह से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट की है, द स्टार्स विंक्ड एट मी, ठीक है, सितारे मुझ पे शर्मा रहे हैं, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सितारे मुझे आँख मार रहे हैं। अब विंक्ड, शर्माना या फिर आँख मारना, ये एक लिविंग क्वालिटी है, लेकिन स्टार्स अगर हम देखें तो वो एक नॉन लिविंग थिंग है। हमने स्टार्स के लिए विंक वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, तो हमने एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी के साथ ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? ताकि हम स्टार्स को क्लियरली डिफाइन कर सकें कि वो हम क्या फील करें, हम क्या कहना चाह रहे हैं। दैट्स वो हमने यहाँ पे विंक का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। तो ये द स्टार्स विंक्ड एट मी, ये एक पर्सोनिफिकेशन है। इसको और क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द फ्लावर इज डांसिंग इन गार्डन। डांसिंग एक ह्यूमन क्वालिटी है। फ्लावर अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लावर लिविंग थिंग है, लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर सकता। तो डांस जो है वो फ्लावर्स के लिए नहीं बल्कि एक ह्यूमन क्वालिटी है। दैट्स वाई एक ह्यूमन क्वालिटी को फ्लावर्स पे इम्प्लीमेंट किया गया कि द फ्लावर्स इज़ डांसिंग इन गार्डन। हालांकि फ्लावर्स नाच नहीं सकते, फिर भी उसको उसके झूमने को क्लेरिफाई करने के लिए जो फ्लावर्स हिल रहे थे या फिर जो झूम रहे थे हवा की वजह से, उसको मोर क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डांसिंग का वर्ड यूज़ किया गया। तो जो डांस है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो यहाँ पर डांसिंग जो है वो एक पर्सोनिफिकेशन है। अब पर्सोनिफिकेशन क्यों यूज़ की जाती है? पर्सोनिफिकेशन यूज़ की जाती है ताकि हम अपनी पोइट्री को इन्हेंस कर सकें, उसकी मीनिंग को इन्हेंस कर सकें और ब्यूटी ऑफ पोएम को इन्हेंस कर सकें।
उसके अलावा वो राइटिंग में राइटर्स को यूज़ करता है ताकि वो अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बना सके, और इसके थ्रू हम अपनी राइटिंग को मोर क्लियर एंड मोर ओरिजिनल बना सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन के थ्रू हम रीडर्स की जो है अटेंशन को कैप्चर करते हैं। किस तरह से कैप्चर करते हैं? जब हम एक लाइवली एंड ओरिजिनल इफ़ेक्ट्स डालते हैं अपनी राइटिंग में, तो ऑटोमेटिकली जो रीडर की अटेंशन है वो गेन होती है, वो उनकी अटेंशन जो है वो ग्रैब होती है हमारी तरफ, जिसकी वजह से हम पर्सोनिफिकेशंस राइटिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। आई होप आपको पर्सोनिफिकेशन समझ आ गई होगी, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।